प्लीज आज हमने डिटेल में डिस्कस करना है अंडरस्टैंड करना है पूरे करंट के मैकेनिज्म को इंशाल्लाह। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं हमने स्टार्ट किया current electricity. Current electricity. है करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है करंट व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस आई आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को बोलते हैं करंट सही है अच्छा करंट की यूनिट क्या होती है एमपेयर आई इज इक टू क्यू वी क्यू इज इकल टू आई टी क्यू इज चार्ज आई इज करंट इज टाइम इस फॉर्मूले को रट्टा मार लिया आपने ठीक है फिर हमने क्या पढ़ा कि कोई भी चार्ज जो मूव कर रहा है वो करंट है पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है वो भी करंट है नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है वो भी करंट है करंट सिर्फ वायर्स में नहीं होता एक गाड़ी चल रही है उस पर चार्ज है वो भी करंट है मैं चल रहा हूं मेरे पे चार्ज है तो मैं भी करंट हूं बादल चल रहा है उस पर चार्ज है तो वो भी करंट है एनी चार्ज दैट इज मूविंग इज करंट तो करंट डायरेक्शन क्या लें तो हमने कन्वेंशन बना ली जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा इट विल बी करंट डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएगा तो करंट डायरेक्शन अपवर्ड पॉजिटिव चार्ज नीचे जाएगा तो करंट डायरेक्शन डाउनवर्ड अगर पॉजिटिव हो ही ना नेगेटिव हो तो जिस डायरेक्शन में नेगेटिव जाएगा हम सोचेंगे पॉजिटिव होता तो किधर जाता? जाता है उसके ऑपोजिट जाता जी आमतौर पर फील्ड में पॉजिटिव चार्ज कहां जाता है नेगेटिव के ऑपोजिट तो जिस डायरेक्शन में नेगेटिव मूव कर रहा होगा हम करंट उसके ऑपोजिट सपोज करेंगे तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे हम कहेंगे करंट उनके ऑपोजिट है कंडक्टर में करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फ्लो की वजह से होता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन जा रही होगी हम करंट उसके ऑपोजिट सपोज करेंगे द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस अच्छा फिर हमने बात की कि वायर में इलेक्ट्रॉनिक फ्लो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे पाइप से पानी का फ्लो अगर आपके पास एक क्लोज पाइप है उसका साइकिल बना हुआ है उसे पानी कहीं नहीं जाएगा ना तो क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज जब तक मोटर नहीं होगी जब तक पंप नहीं होगा मोटर नहीं होगी मोटर पानी को पुश करेगी पानी घूमने लग जाएगा इसी तरीके से अगर मैं वायर को घुमा के एक साइकिल बना लूं रिंग बना लूं वायर का उस पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन तो है लेकिन वो मूव नहीं करेगी जब तक पुश करने वाली कोई चीज नहीं होगी उसको पुश करने वाली चीज क्या होती है उसका इंजन क्या होता है वो होता है बैटरी पावर सप्लाई पावर सप्लाई चार्जेस को पुश करेगी चार्जेस चलने लग जाएंगे पावर सप्लाई चार्जेस को एनर्जी देगी वो एनर्जी लेके आएंगे जितनी एनर्जी पावर सप्लाई देती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम पढ़ेंगे आज हमने यही पढ़ना है तो हम लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक सर्किट यहां पर खत्म किया था यहीं से स्टार्ट करते हैं बेटा आगे बच्चे कुछ थोड़े से आए ओके जी इलेक्ट्रिक सर्किट हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है जनाब इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट पढ़ा था आपने दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है क्लोज पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट इट इज क्लोज पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट सर्किट में तीन चीजें मेन होती हैं तीन चीजें असेंशियल होती हैं सबसे पहले होनी चाहिए पावर सप्लाई सेल ये सेल है सेल का सिंबल है पॉजिटिव नेगेटिव और क्या होना चाहिए लोड लोड ये लोड लोड बना रहा हूं लोड में भी हीटर लोड में भी अ लैम्प लोड में भी अ रेजिस्टर कोई भी चीज हो सकती है ये लोड है लोड लोड क्या करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है अगर ये पंखा है तो काइनेटिक एनर्जी बनाएगा इलेक्ट्रिकल को काइनेटिक में कन्वर्ट कर देगा अगर ये लैंप है तो इलेक्ट्रिकल को हीट में कन्वर्ट कर देगा अगर स्पीकर है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा एंड सॉन्ड यू नो इनको मिलाने के लिए हमें क्या चाहिए तारें चाहिए तारें कनेक्टिंग वायर्स कनेक्टिंग वायर्स कनेक्टिंग वायर कनेक्टिंग वायर्स क्या करती हैं दे प्रोवाइड अ पाथ रोड का काम करती हैं ट्रेन की रेल्स का, का काम करती हैं ठीक है पाथ प्रोवाइड है? करती हैं इनका कोई काम नहीं है अच्छा इसके अंदर चार्जेस की ट्रेन होती है मैं चार्जेस की ट्रेन बना रहा हूँ आई एम ड्रॉइंग द ट्रेन ऑफ चार्जेस ये ट्रेन ऑफ चार्जेस है इमेजिनरी पॉजिटिव चार्जेस हैं ये जो मैं बॉल्स बना रहा हूं ना दीज आर इमेजिनरी पॉजिटिव चार्जेस एक कूलम पॉजिटिव चार्ज है ये क्या है वन कूलम पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली इमेजिनरी है वैसे तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना तो ये वन कूलम पॉजिटिव चार्ज है ये वन कूलम पॉजिटिव चार्ज है अब बैटरी क्या करेगी इन पॉजिटिव चार्जेस को राइट right पे पुश करेगी बैटरी क्या करेगी इट द चार्जेस पुशेज द चार्जेस चार्जेस को पुश करेगी उनको एनर्जी देगी कितनी एनर्जी देगी जितने वोल्ट की बैटरी है कितने वोल्ट की बैटरी है जनाब ये है जी फॉर एग्जाम्पल यह सिक्स वोल्ट की बैटरी है ये सिक्स वोल्ट की बैटरी है तो इन चार्जेस को कितनी एनर्जी देगी सिक्स सिक्स जाउल्स वोल्ट की बैटरी है सिक्स जाउल्स एनर्जी देगी सिक्स जाउल्स एनर्जी लेके आ रहे हैं एनर्जी की फिलिंग होगी ये बैटरी के अंदर सिक्स लिख रहा हूं सिक्स जाउल्स एनर्जी लेके आ रहे हैं और यहां पे क्या करेंगे वो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे यहां पे एनर्जी कितनी रह जाएगी जीरो खाली हो गई एनर्जी की रेडी एनर्जी की व्हील बैरोमटी हो गई यहां पे आके दोबारा ये वन वे ट्रैफिक है चार्जेस यहां से एनर्जी की फिलिंग करेंगे जैसे मजदूर रेडी लेके आ रहे हैं यहां पे सैंड और सीमेंट की फिलिंग हो रही है और यहां पे गिराते जा रहे हैं और वापस है, है। यूं जा रहे हैं यूं जल रहे हैं ये बैटरी चार्जेस को पुश कर रही है तो वायर्स क्या करती हैं वायर प्रोवाइड द पाथ वायर्स प्रोवाइड द पाथ कल पढ़ा था आप लोगों ने और लोड क्या करता है लोड लोड क्या करता है इट यूज इलेक्ट्रिसिटी इट इट यूज इलेक्ट्रिसिटी इट यूजेज इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी दैट इज इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी दर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जी जनाब लोड बैटरी है वायरस है ये लोड है लोड इज अ रजिस्टर रजिस्टर भी कह सकते हैं एनीथिंग जो बिजली से चलती है उसको लोड कह सकते हैं तो एक सर्किट है सर्किट की वर्किंग आपको पता होनी चाहिए सर्किट में जो बैटरी होती है जो पावर सप्लाई होती है जो सेल होता है वो चार्जेस को पुष्ट करता है पुश करता है तो वर्क डन करता है वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर नहीं समझ में आया बेटा जब हम जब हम फोर्स लगाते हैं और डिस्टेंस कवर करते हैं उसको बोलते हैं वर्क ठीक है तो ये बैटरी चार्जेस को पुश कर रही है इमेजिनरी पॉजिटिव चार्जेस हैं और ये एक कुलम पॉजिटिव चार्ज है जितने वोल्ट की बैटरी होती है ये जो लिखा होता है ना बैटरी के ऊपर वो उसका ई होता है इस बैटरी का ई कितना है ई एम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई एम वोल्ट की बैटरी है मतलब ये कि एक कुलम चार्ज को सिक्स जॉल्स एनर्जी दे रही है टेन वोल्ट की बैटरी होगी एक बैटरी का ईएमएफ एम तो वो टेन वोल्ट होगा तो टेन जॉल्स एनर्जी देगी जितने वोल्ट की बैटरी होती है उतने ही एनर्जी देती है मेरा बेटा ये एनर्जी लेके आते हैं और इसमें कंज्यूम करते हैं ठीक है अगर एक लोड है तो एक में अगर आपने दो बल्ब लगाए हुए तो दोनों को देगी एनर्जी क्या मतलब मतलब यह कि आपका सर्किट ऐसे है कुछ पतली तार आपका सर्किट यूं है ऐसे है यूं है जनाब इसमें दो लोड्स हैं दो लोड्स हैं दो लोड्स हैं ये दो दो लोड्स हैं ठीक है थिके? ये बैटरी है uh, कितने वोल्ट की है जी ये है जी uh, एट वोल्ट की बैटरी है एट वोल्ट की बैटरी है क्या मतलब कितनी एनर्जी देगी एट जॉल्स कितनी एनर्जी देगी एट जॉल्स किन को देगी इमेजिनरी वन कूलर पॉजिटिव चार्ज को एट जॉल्स एनर्जी देगी चार्जेस की ट्रेन बना रहा हूं मैं ये चार्जेस की ट्रेन बना रहा हूं ट्रेन ये चार्जेस की ट्रेन है इमेजिनरी पॉजिटिव चार्जेस हैं हर बॉल एक ट्रेन का डब्बा ये ट्रेन का डब्बा है चार्जेस की ट्रेन है ये चेन का डब्बा है और ये एक कूलम चार्ज है ये कौन सा चार्ज है वन कूलम पॉजिटिव चार्ज इमेजिनरी ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्जेस मूव नहीं करते इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव हम बात करें पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं यूं करके इमेजिनरी पॉजिटिव चार्जेस इसको करंट कहते हैं हम ये करंट है जी ये जो बॉल्स हैं इमेजिनरी पॉजिटिव चार्जेस हैं और यू मूव कर रही हैं अब ये व्हाइट कलर में ये तो क्या हो गया नजर ही नहीं आ रहा इसको मैं जरा हाईलाइट कर देता हूँ किसी और कलर से नज़र तो आए ये रिजिस्टर है लोड है हां पुत्र कितनी एनर्जी लेके आ रहे हैं जी कितनी एनर्जी लेके आ रहे हैं कितने वोल्ट की बैटरी है एट वोल्ट की तो कि अब ये इस तरफ चल रहे हैं ये चार्जेस को यूं पुश कर रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव एट जॉल्स एनर्जी लेके आ रहे हैं एट जॉल्स एट जॉल्स एट जॉल्स की रेडी भर के ला रहे हैं मजदूर एट जॉल्स की एनर्जी यहां पे पहुंचेंगे तो कितनी होगी जीरो 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 अब इन दोनों में डिवाइड होगी एनर्जी दो लोड है ना तो दोनों में एनर्जी डिवाइड सारी एक ही खा जाएगा इन दोनों को लेगी बेमानी नहीं चलेगी यहां पर पाकिस्तानी थोड़ी बेमानी करे ये, ये, ये इक्वली अब इक्वली होगी कि नॉन इक्वली होगी डिपेंड करता है इन दोनों की पावर रेटिंग कितनी है इन दोनों की रेजिस्टेंस कितनी है अभी हमने रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा अब तो जिम्मे रही पावर रेटिंग कितनी है अगर तो इक्वल पावर रेटिंग है तो इक्वली डिवाइड हो जाएगी एट जॉल्स एनर्जी है चार जॉल्स ये ले लेगा चार जॉल ये ले लेगा ठीक है अगर इक्वल है इन दोनों की पावर रेटिंग इक्वल है तो ये कितनी लेगा चार्ज हाउस मतलब कितनी रह जाएगी जीरो जितनी एनर्जी मिली फोर इसने कंज्यूम की फोर इसने कंज्यूम की फोर इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी बनाया अगर ये हीटर है तो हीट बना दी अगर ये लैंप है तो लाइट बना दी अगर वो स्पीकर है तो साउंड बना दी यहां पे एनर्जी मिली ये एनर्जी लेके आए इन्होंने एनर्जी खर्च की अच्छा अब दोनों अगर इक्वल रेटिंग के नहीं है ऐसा भी तो हो सकता है इक्वल रेटिंग ना हो इधर बना के दिखाता हूं मैं आपको फॉर एग्जाम्पल एक सर्किट है ये सर्किट बना रहा हूं एक और ये दो लोड्स बना रहा हूं इन दोनों की पावर रेटिंग इक्वल नहीं है चले ये नाइन वोल्ट की बैटरी है नाइन वोल्ट की बैटरी है वोल्ट की बैटरी है चार्जेस की ट्रेन बना रहा हूं, charge. हूं, हूं. किधर चल, चल, चल रहा है बैटरी का पॉजिटिव टू नेगेटिव यू जा रही हूं कितनी एनर्जी नाइन वोल्ट की बैटरी है तो एनर्जी भी कितनी मिल रही है जनाब नाइन जॉल्स नाइन जॉल्स एनर्जी नाइन जॉल्स एनर्जी नाइन जॉल्स नाइन जॉल्स नाइन जॉल्स नाइन जॉल्स यहां पर पहुंचेंगे तो कंडीशन क्या है खाली रेडी लेके पहुंचेंगे खाली हाथ होके पहुंचेंगे जैसे हम कबर में जाएंगे ना खाली हाथ ये बैटरी में जाएंगे खाली हाथ ओके okay, नॉलिस अब ये दो 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 लोड्स हैं अब एनर्जी इन दोनों में डिवाइड होगी अच्छा अब अगर इसको मिलती है फाइव तो उसको मिलेगी फोर अगर इसको मिलती है सिक्स तो उसको मिलेगी थ्री अगर इसको मिलती है सेवन तो उसको मिलेगी टू फॉर एग्जाम्पल इसको मिल रही है सेवन ये सेवन वोल्ट ये ले रहा है तो भर नाइन में सेवन ये ले रहे हैं तो ये कितना लेगा टू वोल्ट तो कितनी एनर्जी लेके आ रहे थे नाइन नाइन में से सेवन इसने खाली बाकी कितनी बच गई सेवन बच गई नहीं नाइन में से सेवन इससे खाली बाकी इतनी बच गई टू बच गई टू ये टू है यहां पर टू लिखा हुआ है टू और टू में से ये बाकी ये ले लेगा ले तो जीरो डिपेंड करते हैं इनकी पावर रेटिंग कितनी है ये मैं समझाऊंगा आपको पावर रेटिंग जैसे एक बिजनेस शुरू करते हैं ना एक बिजनेस के दो पार्टनर्स होते हैं अगर तो उन दोनों पार्टनर इक्वल कैपिटल इक्वल पैसे डाले थे इक्वल कैपिटल इन्वेस्ट किया था तो जो प्रॉफिट लॉस होगा इक्वली होगा लेकिन अगर दो पार्टनर्स हैं, एक ने डबल पैसे इन्वेस्ट किए एक ने आधे पैसे इन्वेस्ट किए तो जिसने डबल पैसे इन्वेस्ट किए उसको प्रॉफिट लॉस भी डबल होगा जिसने थ्री टाइम पैसे इन्वेस्ट किए उसको प्रॉफिट लॉस भी थ्री टाइम्स होगा बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर यह बेस करते हैं। अगर इन दोनों की पावर रेटिंग सेम है इन दोनों की रेजिस्टेंस सेम है तो दोनों को इक्वल एनर्जी मिलेगी अगर इक्वल नहीं है इसकी पावर रेटिंग ज्यादा है इसकी पावर रेटिंग कम है तो उसको ज्यादा एनर्जी मिलेगी जितनी टाइम्स इसकी पावर रेटिंग ज्यादा होगी उतने टाइम्स एनर्जी ज्यादा मिलेगी आपको समझाना है मैंने आपको तो आपको सर्किट समझ में आया आपको सर्किट क्या होता है क्लोज पाथ सर्किट में क्या होता है बैटरी होती है लोड होते हैं बहुत सारी बैटरीज हो सकती है बहुत सारे लोड हो सकते हैं एक की जगह दो बैटरीज हो सकती है तीन सेल्स हो सकते हैं बहुत सारी हो सकती है बहुत सारे लोड्स भी हो सकते हैं अच्छा मैं बहुत सारी बैटरीज का भी समझा दूंगा आपको ओके तो यहां एनर्जी मिलेगी यहां एनर्जी खर्च होगी वायर पाथ देंगी यहां पे एनर्जी मिलेगी चार्जेस को पुश करेंगे चार्जेस को एनर्जी देंगे यहां पे एनर्जी खर्च होगी दिस अ सिंपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओके तो बैटरी एनर्जी देती है एक और दो बैटरियां लगा के समझाता हूं मैं आपको जी बेटा बिल्कुल ऑब्वियस कल टेस्ट है यदि क्यों पूछते हो फ्राइडेज अ टेस्ट दे और क्या पढ़ेंगे स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा स्टैटिक में से करेंगे क्योंकि अभी आपने करंट में कितना बड़ा इस पर क्या दूंगा मैं आपको टेस्ट में तो स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी ठीक है बेटा तैयारी अच्छी कीजिएगा ये चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही समझ में मैं कोशिश तो कर रहा हूं आहिस्ता चलो लेकिन आहिस्ता चल के सिलेबस खत्म नहीं होगा पुत्र तो उसके लिए मैंने क्या किया है आपके लिए सुनो 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 मैंने आपसे पहले बात की थी आ, मैंने अपने स्कूल की क्लास में थर्मल फिजिक्स के लेक्चर अपलोड कर दिए ताकि बच्चे देख लें वही लेक्चर मैं आपके भी अपलोड कर देता हूँ इकट्ठे भी कर सकता हूँ या दो दो करके कर दूंगा हर रोज डाल दूंगा तो आपने क्या करना है आपने जब भी फारि टाइम में उन लेक्चर्स को देखना है क्योंकि लेक्चर्स क्योंकि फास्ट मोड में बने हुए हैं उनकी पिक्चर क्वालिटी भी और आवाज़ भी जरा मज़े की नहीं है लेकिन आप देख लेंगे कोशिश करेंगे जितना भी समझ में आता है पहले दो तीन लेक्चर ज़्यादा मुश्किल है वो इजीली समझ में नहीं आएंगे जब मैं यहाँ पे रिवाइज़ कराऊंगा या सर तो रिवाइज़ कराएंगे तो आपको समझ आ जाएंगे क्योंकि पहले थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना तो पहले दो तीन चार लेक्चर मुश्किल है उसके बाद ईजी आपको समझ आने लग जाएंगे सुन रहे हो तो मैं थर्मल जब आप फेस टू फेस क्लासेस में आओगे ना तो हमारी दो क्लासेस होती है फिजिक्स की एक में लाइव लेक्चर दे रहा होता हूँ एक वीडियो लेक्चर देखने पड़ते हैं फिर वो क्या होता है उसके बाद मैं जब आप पूरा लेक्चर देख लेते हैं पूरा चैप्टर देख लेते हैं तो मैं उसको रिवाइज करा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाता है इज क्लियर टू यू तो थर्मल फिजिक्स के जो लेक्चर्स हैं मैं आपके ग्रुप में अपलोड कर दूंगा लेक्चर वन लेक्चर टू दो दो लेक्चर हर रोज कर दूंगा तो आपने जरूर देखने हैं और सर तो सिर्फ आपको साथ साथ उनके असाइनमेंट्स करवा देंगे ठीक है मेरा बेटा तो वो भी कवर हो जाएगा टेस्ट टाइमिंग आपको सर बट बता देंगे आपको मैसेज आ जाएगा मुझे एक्जेक्ट नहीं पता जितने जिस टाइम पे पिछली दफा टेस्ट हुआ था मोस्ट प्रॉब्ली उसी टाइम पे टेस्ट होगा लेकिन सर हारिस बट आपको बताएंगे सर हारिस अगर आपको तो कमेंट कर दें आप टेस्ट का टाइम मैं बच्चों को बता दू अच्छा पुत्र यहां पे एक और सर्किट है आ, आ, आज से शुरू कर दूंगा बेटा ये दो बैटरीज हैं हाँ जी कितनी कितनी सपोज कर लेते हैं ये है जी फाइव वोल्ट की बैटरी है ये ट्वेल्व वोल्ट की बैटरी है ठीक है इसका ई एम एफ फाइव वोल्ट है इसका ई एम एफ ट्वेल्व वोल्ट है ओके और ये जो दो रजिस्टर्स हैं ये दो रजिस्टर लोड्स हैं अच्छा चार्जेस की ट्रेन तो बनाई नहीं चार्जेस की ट्रेन बना रहा हूं चार्जेस की ट्रेन चार्जेस की ट्रेन चार्जेस की ट्रेन अब बेसिकली ट्रेन के दो इंजन हैं। बैटरी लाइक एन इंजन इट की अच्छा प्लीज, प्लीज 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 ट्रेन से, से तो है ये बैटरी चार्जेस को पुश करेगी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कितनी एनर्जी दे देगी फाइव वोल्ट की बैटरी है फाइव जोल्स एनर्जी दे देगी यहाँ पे फाइव जोल्स इसने फाइव जोल्स एनर्जी दी एनर्जी लेके आ रहे हैं थोड़ी सी एनर्जी इसने भर दी बाकी बारह एनर्जी देगी तो फाइव बाई एनर्जी होगी सपोज टेन जॉल्स ये लेता है सेवन तो फिर ये लेगा तो सेवनटीन में से टेन इसने ले ली बाकी कितनी बच गई सेवन सेवन तो सेवन ये लेगा इसकी टेन वोल्ट इसकी सपोज कह रहा हूं इन दोनों की पावर रेटिंग सेम नहीं है इसने दस लाख इन्वेस्ट किया था इससे सात लाख इन्वेस्ट किया था सत्रह लाख का प्रॉफिट हो गया उसको दस लाख प्रॉफिट मिलेगा उसको सात लाख प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पे बिजनेस चल रहे हैं ये वोल्ट की बैटरी है ये ट्वेल्व वोल्ट की बैटरी है ये कितनी एनर्जी देगी एक कुलम चार्ज को फाइव जॉल्ड जे एनर्जी देगी ट्वेल्व जॉल्ज जे एनर्जी देगी तो जीरो से फाइव फाइव से ट्वेल्व और एट सेवनटीन सेवनटीन जॉल्स एनर्जी लेके आ रहे हैं यहाँ पे एनर्जी की फिलिंग होगी यहाँ पे एनर्जी खर्च होगी इज इट क्लियर टू यू सर्किट समझ में आया आपको सर्किट में क्या होता है बैटरी चार्जेस को पुश करती है चार्जेस को एनर्जी देती है जितने वोल्ट की बैटरी होती है उतनी एनर्जी देती है उसको बोलते हैं ईएमएफ कल डेफिनेशन लिखवाई थी समझाया नहीं था आज समझा रहा हूं तो प्लीज ये ड्रॉ कर लें पहले ये जो मैंने ड्रॉ किया ना ये ड्रॉ कर लिया जिनको समझ में आया ना प्लीज वो लिख दें क्लियर ओ लेवल टेस्ट फ्रॉम फाइव फिफ्टीन टू सिक्स टूमारो इनशाला हारिस साहब ने कह दिया बेटा ये टेस्ट एविडेंस के लिए यूज हो जाएंगे तुम्हें किसने कहा कि पेपर नहीं होंगे इतने खुश फैमना बनो एविडेंस एविडेंस को स्कूल के टेस्ट ठीक है स्कूल के बच्चे स्कूल के टेस्ट एविडेंस के लिए होंगे अकेडमी के नहीं होंगे मैं लिखवाता हूं अभी लिखवाता हूं आप ये कॉपी कर लें मैंने कल लिखवाई थी लेकिन मैं दोबारा लिखवाता हूं कॉपीड आगे चल रहे हैं गुड यार ओके तो क्या था जी ई एम एफ की डेफिनेशन इसके लिहाज से लिखाने लगा मैं आपको ये बैटरी बहुत सारी बैटरी है नंबर ऑफ सेल बैटरी और ये लोड है लोड ये लोड है ये पावर सप्लाई है पावर सप्लाई का क्या होता है पावर सप्लाई का क्या होता है ई एम एफ ई एम एफ क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इलेक्ट्रो मोटिव एक ही वर्ड है क्या हो गया मुझे इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स ई इसके ऊपर लिखा हुआ है ट्वेल्व वोल्ट इसका ई लिखा हुआ ट्वेल्व 12 ई ये ईएमएफ लिखा हुआ है इसका इसका ई एम है आपको ई एम ट्वेल्व वोल्ट मतलब ये ये जो चार्जेस की ट्रेन है ये चार्जेस की ट्रेन 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 बना रहा हूं ट्रेन के डब्बे बना रहा हूं मैं चार्जेस की ट्रेन ये चार्जेस की ट्रेन है Uh, कितना है जी EMF 12? तो यहां पे कितनी एनर्जी है जीरो 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 नेगेटिव पॉजिटिव यहां पे कितनी होगी ट्वेल्व जितना ई एम एफ है उतनी एनर्जी सप्लाई करेगा तो यही डेफिनेशन में लिखेंगे इट इज एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज टू मूव इट ट्राउन द कंप्लीट सर्किट क्या होता है ई एम एफ क्या होता है इट इज एनर्जी सप्लाइड To each unit charge charge to move it round the complete circuit, to move it around the complete circuit. It is energy supplied to each unit charge to move it around the complete circuit. मैंने कल आपको ये लिखवाई थी मेरा बेटा ईच यूनिट चार्ज एनर्जी सप्लाइड टू मूव इट ऑन द कंप्लीट सर्किट लेकिन एग्जामिनर को सेकंड डेफिनेशन ज्यादा पसंद है आप दोनों लिखेंगे अच्छा भाई बैटरी एनर्जी कहां से देती है बैटरी में अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रिकल बनती है बैटरी में नॉन इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल बनती है हाइड्रो पावर स्टेशन में क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल बनती है न्यूक्लियर पावर स्टेशन में क्या होता है न्यूक्लियर एनर्जी इलेक्ट्रिकल बनती है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी नॉन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल बनती है तो एग्जाम डेफिनेशन क्या है ई क्या होता है इट इज नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल

ई एम एफ का फार्मूला क्या बनेगा एनर्जी पर यूनिट चार्ज पर मतलब है डिवाइडेड बाय तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर चार्ज एनर्जी ओवर चार्ज भी लिख सकते हैं ये फार्मूला बन गया जी ई एम एफ का एनर्जी ओवर चार्ज पूरा लिखो लिखने डेफिनेशन प्लीज कल लिखी थी आप लोगों ने अब इसके साथ एक और डेफिनेशन है ये होती है वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे लिख रहा हूं वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज एक कुलम चार्ज यार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना थ्री सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन पावर एटीन इलेक्ट्रॉन जमा हो जाए तो एक कुलम चार्ज बनता है उतने इलेक्ट्रॉन्स को एक कूलम चार्ज को जितनी एनर्जी मिलती है पूरा सर्किट में घूमने के लिए इसको बोलते हैं चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है जी वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस बेटा लोड को जो बैटरी का ई होता है लोड के अक्रॉस क्या होती है वोल्टेज लोड के अक्रॉस क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज लोड जितनी एनर्जी खर्च करता है जितनी एनर्जी यूज करता है जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज लेके आता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज द चेंज इन एनर्जी पर यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट द यह इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करता है ना बैटरी तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करता है जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करता है जितना उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज आता है उसको बोलते हैं वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस तो व्हाट इज वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस ये लोड के क्रॉस होती है इट इज इट इज चेंज इन एनर्जी या एनर्जी यूटिलाइज इट इज एनर्जी डिसिपेटेड यूटिलाइज्ड पर यूनिट चार्ज इट इज एनर्जी वो तो एनर्जी सप्लाई हो रही थी ना ये एनर्जी यूटिलाइज हो रही है एनर्जी डिसिपेट हो रही है पर यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स या अक्रॉस द लोड भी हो सकती है बिटवीन टू पॉइंट्स और अक्रॉस द लोड लिख लिखते थे अक्रॉस लोड कैसे भी लिख सकते हैं इट इज एनर्जी यूटिलाइज और चेंज इन एनर्जी इसके साथ ही मुझे लिखना चाहिए था जितनी एनर्जी यूटिलाइज करेंगे उतनी एनर्जी में चेंज आएगा ना इट इज एनर्जी यूटिलाइज और चेंज इन एनर्जी पर यूनिट चार्ज ट्वीन टू पॉइंट्स और अक्रॉस द लोड अब लिख लें समझाता हूं मैं आपको आप पहले लिख लें फिर बात करते हैं अब लिख लें एट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इंटू नॉन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इंटू नॉन इलेक्ट्रिकल पर यूनिट चार्ज इट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू नॉन इलेक्ट्रिकल पर यूनिट चार्ज बिटवीन अक्रॉस द लोड। लिखे बात करते हैं पहले लिख लें भी बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है जितनी एक कुलम चार्ज को एनर्जी मिलती है वो क्या होती है ई e जबरदस्त ईमान बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप. So right. right, है आप सो तो द चेंज इन एनर्जी विल बी फाइंड आउट बाई गेटिंग द डिफरेंस राइट यू आर एब्सोल्युटली राइट बेटी है टू तार वापिस हाँ जी अभी बात करते हैं शाबश जनाब जल्दी से लिखें यार टाइम बता सिक्स पंद्रह मिनट रह गए जल्दी जल्दी भी बहुत काम कराना है वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस बेटा ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में कोई खास फर्क नहीं है ईएमएफ e बैटरी का होता है और पूरे सर्किट का होता है पोटेंशियल डिफरेंस लोड का होता है लोड का होता है कोई से दो पॉइंट्स के लोड का होता है ईएमएफ एम एनर्जी सप्लाई करते हैं केमिकल इलेक्ट्रिकल बनती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल बनती है इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां पे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है एक कुलम चार्ज को मिलती है वो होता है ई वो ई जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब यहां पे नॉन इलेक्ट्रिकल बन रही है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी बन रही है लैंप में लाइट बन रही है हीटर में हीट बन रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी नॉन इलेक्ट्रिकल बन रही है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मुला एक ही है पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज का एक ही फॉर्मुला है क्या होगा जी पोटेंशियल डिफरेंस पी डी पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज किसके होगी वही एनर्जी ओवरचार्ज इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूरा लिख लिया करें ताकि इजी हो जाए एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज सेम फार्मूला है देखो दोनों का ये दोनों का सेम फार्मूला है दोनों एनर्जी ओवरचार्ज है जितना ईएमएफ होता है ना उतना ही टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है यहां पे 12 वोल्ट ईएमएफ है यहां पे 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू टोटल ई टोटल पोटेंशियल डिफरेंस टोटल ई के इक्वल होता है ठीक प्लीज जल्दी से लिख लें मैंने आगे चलना है बड़ी जोर से और फिजिक्स आ रही है मुझे प्लीज लिख लिया तो डन लिखे मैं आगे ओके okay, पिछली स्लाइड पे आते हैं पिछली स्लाइड पे मैंने डेफिनेशन लिख दी मैं पिछली स्लाइड पे आ रहा हूं बच्चों लिख लिया डन कॉपीड कॉपीड ओके जी जनाब ओके अब मुझे एग्जामिनर कहते हैं आ, हरे हर सर्किट का ईएमएफ e बताएं और हर लोड का पोटेंशियल डिफरेंस बताएं पूरे सर्किट का ईएमएफ e बताएं और पूरे सर्किट का वोल्टेज बताएं तो देखो ईएमएफ e तो होती है ना बैटरी की इसका ईएमएफ e कितना है पहले की बात करते हैं इसका ईएमएफ कितना है इसका ईएमएफ e है, e है कितना है जी बैटरी की वोल्टेज कितनी है नाइन वोल्ट e है ना इसका ईएमएफ कितना है इसका ईएमएफ कितना है इसका ईएमएफ एट वोल्ट अच्छा इसका ई कितना है कितनी एनर्जी दे रहा है ये जीरो से सिक्स वोल्ट इसका ई सिक्स वोल्ट अच्छा इधर टोटल ई कितना है खाली इस बैटरी का ई एम फाइव वोल्ट है इसका ई एम ट्वेल्व वोल्ट है टोटल ई कितना है टोटल ई एम एफ सेवनटीन वोल्ट ई एम एफ कितनेटीन वोल्ट ई एम एफ आ गया अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा हर लोड का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं डिफरेंस इन एनर्जी जो आपने बताया अभी आपने तो मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूं वोल्टेज वोल्टेज को वोल्ट मीटर से मेयर करते हैं तो यहां पर सिक्स लिखा हुआ है यहां पर जीरो लिखा हुआ है यहां पर सिक्स एनर्जी थी यहां पर जीरो एनर्जी थी तो सिक्स माइनस जीरो डिफरेंस ले लेंगे जो आप बोल रहे थे सिक्स वोल्ट बिल्कुल सही है इसका पोटेंशियल डिफरेंस सिक्स वोल्ट है जितना टोटल ई है उतनी टोटल वोल्टेज है टोटल ईएमएफ एम सिक्स वोल्ट ये टोटल वोल्टेज है ईएमएफ ये पोटेंशियल डिफरेंस है टोटल वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात है इस लोड का पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर लगा नाइन माइनस टू सेवन सेवन वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेवन वोल्ट है इसका अच्छा अब आगे वाले का देख करो आगे वाले का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहां पे लिखा हुआ है टू यहां पे लिखा हुआ है जीरो टू वोल्ट तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है सेवन यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है टू इन दोनों को जमा करो सेवन प्लस ई एम एफ को प्लस करो तो भी नाइन आता है मतलब टोटल वोल्टेज भी नाइन टोटल ई एम एफ भी नाइन यहां पे चेक करते हैं इसका इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहां पर लिखा हुआ एट यहां पर लिखा फोर तो एट माइनस फोर कितना आ जाएगा फोर वोल्ट अच्छा इधर से लेके इधर तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इधर तक यहां पे लिखा हुआ है एट यहां पे लिखा हुआ है जीरो एट माइनस जीरो समझ आ रही है आपको मेरी बात चेंज इन एनर्जी यहां पे एट एनर्जी थी यहां पे जीरो एनर्जी है तो एट वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है जितना टोटल ई एम एफ है उतना टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है फोर वोल्ट इसको मिल रहा है फोर वोल्ट इसको मिल रहा है यहां आखिरी पे आ जाइए यहां पर सेवनटीन लिखा हुआ है यहां पर सेवन लिखा हुआ है कितना पोटेंशियल डिफरेंस है कितनी एनर्जी में चेंज आ रहा है 17 7 10 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वोल्टेज कितनी है 7 0 ये 0 है 7 0 7 वोल्ट इन दोनों को जमा करें 17 जितना टोटल वोल्टेज उतना टोटल ईएमएफ वोल्टेज क्या होती है जो एनर्जी खर्च कर रहे हैं चार्जेस जैसे आपको एमएफ आप से एग्जांपल देता हूं आपको स्कूल आते हो आपके आपके घर वाले आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देते हैं वो पॉकेट मनी सप्लाई कर रहे हैं इट इज़ जस्ट लाइक ई एम एफ अब तुम पैसे लेके आ रहे हो मार्केट जा रहे हो एक दुकान से चॉकलेट्स ख़रीदी एक से आ, एक से क्या खरीदी ट्विस्टो टॉफी खरीदी एक से आपने कोल्ड ड्रिंक खरीदी वहाँ पर खर्च कर रहे हो आप ठीक है कंडीशन दिए कि खाली हाथ होके आना है कहीं से कुछ और ख़रीदा और फिर वापस आ गए घर वालों ने बेचारों ने दोबारा पैसे दे दिए फिर दोबारा खर्च करने आ गए तो बिल्कुल यही चार्जेस में होते हैं जितने तुम दुकान पे खर्च कर रहे हो पैसे खर्च करें यूटिलाइज करें इट इज जस्ट लाइक पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज जितने घर वाले पैसे दे रहे हैं इट इज जस्ट लाइक ई एम एफ जस्ट लाइक ई एम एफ नॉट ई एम एफ जस्ट लाइक ई एम एफ जी जनाब डेफिनेशन समझ में आई ई एम एफ क्या होता है क्या ई एम एफ क्या होता है जो एनर्जी सप्लाई बैटरी एक कूलम चार्ज को एनर्जी देती है पूरे सर्किट के चक्कर मारने के लिए और ये क्या होती है नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल पर यूनिट चार्ज वोल्टेज क्या होती है वो जो एनर्जी खर्च करते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान लोड के अक्रॉस जितनी एनर्जी में चेंज आता है जितनी एनर्जी खर्च करते हैं जितनी इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल बनाते हैं वो होता तो है वोल्टेज तो दोनों का फॉर्मूला आपके सामने है अब इसकी हम यूनिट मैंने आपको बता तो दी है तो ई का फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर चार्ज वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर चार्ज तो बेटा इनकी यूनिट क्या बन जाएगी यूनिट 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 इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है जाउल दोनों की दोनों के लिए बता रहा हूं चार्ज की यूनिट होती है कूलम जाउल पर कूलम को बोलते हैं वोल्ट वोल्ट सिंबॉलिकली अगर ये जाऊल है जे ओब्लिक सी इज कॉल्ड वी वोल्ट इसकी यूनिट वोल्ट है तो वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा जब वन जाउल एनर्जी यूज होगी एक कुलम चार्ज एक जाउल एनर्जी खर्च करेगा ई और पोटेंशियल डिफरेंस इज स्केलर क्वांटिटीज दे आर स्केलर क्वांटिटीज इनकी डायरेक्शन नहीं होती स्केलर क्वांटिटी वोल्ट किसके इक्वल होते हैं जॉल्स पर कूलम वोल्ट किसके इक्वल होते हैं जॉल्स पर कुलम एक कूलम चार्ज को जितनी एनर्जी मिल रही है ई एम एफ की यूनिट भी वोल्ट है वोल्टेज की यूनिट भी वोल्ट है फॉर्मूला जो सेम है तो यूनिट भी सेम होगी अच्छा बेटा अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स कॉपीड इसको इस तरह तो हम लिख देते हैं वी वोल्टेज को वी कह देता हूं वोल्टेज को वी वोल्टेज को भी वी कहते हैं ए, एनर्जी को बोल देता हूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई चार्ज को बोलते हैं Q सिंबोलिकली फॉर्मूला लिखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवरचार्ज वी तो बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू वी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू वी इसको ऐसे याद कर लें इज इक्वल टू क्यू वी इलेक्ट्रिकल इक्वल टू क्यू वी दो तीन फार्मूलाज हैं electrical energy is equal to क्यू वी सबको पता है q इज इक्ल टू आई भी तो होता है तो अगर मैं इसकी जगह आईटी लगा लूंगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक और फार्मूला आ गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक और फार्मूला आ गया क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्यू वी होता है ना q की जगह आई लगा लें तो आई टीवी या वी टी आई आई टीवी भी कह सकते हैं मैंने वी से याद किया हुआ था वीटीआई ओरियल गाड़ी का नाम हमारे जमाने में बड़ी मशहूर हुई थी अब तो उसको नहीं गलते वी वोल्टेज इन टाइम इन करंट क्यू की जगह आई लगा लिया आप ऐसे याद कर लें मैंने ऐसे याद किया हुआ था वीटीआई तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्यू या इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके इक्वल है बेटा वी टी आई वोल्टेज इन टाइम इंटू करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसी से फार्मूला आया ना वोल्टेज क्या होता है द चेंज इन एनर्जी पर यूनिट चार्ज द चेंज इन एनर्जी पर यूनिट चार्ज पर का तो होता है डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज इसको उधर मल्टीप्लाई कर दिया इलेक्ट्रिक एनर्जी किसके इक्वल होगी यू वी क्यू इज इक्वल टू आई टी तो ये लगा दिया वी टी आई इलेक्ट्रिक एनर्जी अभी बात खत्म नहीं हुई अभी और भी है अभी तो पार्टी शुरू हुई है बस तीन मिनट में पार्टी खत्म हो जाएगी पावर का फार्मूला क्या होता है पावर पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी ओवर टाइम पढ़ा हुआ ना तुम लोगों ने जगह थोड़ी हो गई यार मजा नहीं आ रहा पतले पेन से लिखता हूं पावर का फार्मूला क्या होता है पावर एनर्जी डिवाइड बाय टाइम है ना होता है ना फार्मूला पावर का फॉर्मूला बेटा इतने नहीं आएंगे आपको मैं एक बार लिख दूं फिर आपको याद हो जाएंगे मुश्किल बात नहीं है

पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी ओवर टाइम अब बताओ इलेक्ट्रिकल पावर किसके इक्वल होगी इलेक्ट्रिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल पावर इलेक्ट्रिकल नहीं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जगह टी तो टी टी से कट गया तो पावर का फॉर्मूला आ गया वी इंटू आई वोल्टेज इंटू करंट डेरिवेशन नहीं चाहिए आपको डेरिवेशन नहीं चाहिए वैसे ही बताइए पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट इलेक्ट्रिक एनर्जी क्यू वी इलेक्ट्रिकल पावर वी आए इलेक्ट्रिकल पावर वोल्टेज इनटू करंट इलेक्ट्रिकल पावर वोल्टेज इनटू करंट इलेक्ट्रिक एनर्जी वी टी आए या क्यू वी तो ये टी टी से कट जाता है ना एनर्जी ओवर टाइम एनर्जी में वी टी आए ओवर टी 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 से कट गया ये इसलिए बताया कि आपको पता चले रट्टा नहीं लगाया ये आया किसी कॉन्सेप्ट के डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएगी आपको याद करना है पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट कॉपीड फॉर्मूलाज को याद करेंगे फॉर्मूलाज को याद करेंगे बेटा फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा मैं दोबारा भी बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में सो so, बच्चे पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज करंट क्या होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस एक सेकेंड में कितने चार्जेस गुजरते हैं वो होता है करंट देखो ये सर्किट है आपका इतना गंद कर दिया मैंने इसके साथ इसको कुछ मिटाता हूं मैं बच्चे पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज आसान हो रही है एक मिनट बस टाइम भी हो गया मेरे साथ जस्ट अ सेकेंड बस बेटा ये देखो मैं जरा ईज कर रहा आपको नजर आए ये सर्किट को देखो करंट क्या होता है ये ट्रेन के डब्बे है ना ये जो बॉल्स बनाई हुई हैं पर्पल कलर की ये बॉल्स हैं ये एक कूलम चार्ज है एक कूलम चार्ज है एक कूलम चार्ज है एक सेकेंड में जितने चार्जेस पास करते हैं एक्स पॉइंट से तीन चार्जेस पास करते हैं एक सेकेंड में तो थ्री एम्पेयर करंट है इस पॉइंट से अगर वहां से एक सेकेंड में तीन डब्बे ट्रेन के तीन डब्बे गुजरेंगे ना तो यहां भी ट्रेन के तीन डब्बे गुजरेंगे तो यहां पे एक सेकंड में कितने डब्बे गुजर रहे हैं तीन कूलम चार्ज गुजर रहे हैं तो करंट कितना है जितने ट्रेन के डब्बे गुजर रहे हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस एक सेकंड में जितने कूलम चार्जेस 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 गुजर गुजर रहे रहे होते है, रहे होते हैं 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 जितने नंबर ऑफ उसको बोलते करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस एक सेकंड में जितने ट्रेन के डब्बे जितने कूलम चार्जेस गुजर रहे हैं वो करंट होता है और जितनी वो एनर्जी खर्च करते हैं लोड के अक्रॉस जितना उनकी एनर्जी में चेंज आता है वो होता है वोल्टेज वोल्टेज इज रिलेटेड टू एनर्जी चेंज करंट इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम ट्रेन के जितने डब्बे गुजर रहे हैं किसी पॉइंट से वो करंट है और जितनी वो एनर्जी खर्च कर रहे हैं जितनी वो एनर्जी खर्च कर रहे हैं दो पॉइंट्स के दरमियान वो वोल्टेज है हम यही से स्टार्ट करेंगे मंडे को इंशाल्लाह कल आपका टेस्ट है अभी सर तौसीफ आपको असाइनमेंट कराएंगे थैंक यू स्टूडेंट्स